आखिरकार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की वो घड़ी आ गई है जहां पर भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और निर्भीक निर्वाचन कराने के लिए कटिबद्ध है और 28 नवंबर की वो तारीख है जिसके लिए इंदौर पुलिस महकमे ने एक बड़ा इलेक्शन एक्शन प्लान तैयार किया है। तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंदौर पुलिस के सम्मानीय कप्तान डीआईजी श्री हरि नारायण चारी मिश्र जी। सर से सीधी बात करेंगे और कैसे आप निर्भीक होकर अपना मतदान कर सकें और क्या व्यवस्थाएं पुलिस महकमे ने की है, सर से सबसे पहले रूबरू होते हैं। सर सबसे पहले इलेक्शन के लिए क्या खास तैयारियां हैं, इंदौर की जनता के लिए क्या खास संदेश है कि डर की भावना दूर हो जाए और मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। इंदौर हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा विधानसभा वाला क्षेत्र है जी। यहाँ पर 9 विधानसभाएं हैं, यहाँ पर मतदाताओं की संख्या पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा है बिल्कुल, और इसलिए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था और निर्भीकता से लोग मतदान कर सकें पुलिस ने पर्याप्त तैयारियां की जी जी। अगर हम बात करें तो इसके लिए पूरी जो पुलिस की तैयारी है वो अंतिम स्तर तक पहुँच चुकी है। इसमें लगातार पिछले 2 महीनों से जो अभियान चलाया जा रहा है ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो मुख्य तौर पे कहीं ना कहीं अपराध करते हैं या अपनी आपराधिक गतिविधियों से किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, उसको भय में ला सकते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध बड़ी सख्त कार्रवाई की गई है। लगभग अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो 16,000 से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध अभी प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसके साथ साथ लगभग 150 से ज़्यादा लोगों का जिला बदर किया गया है, लगभग 25 लोगों के आसपास एनएसए किया गया। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो उस आसपास में मतदान को प्रभावित कर सकता है, नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, लोगों में भय की उत्पत्ति कर सकता है, ऐसे लोगों के विरुद्ध समय रहते कार्रवाई हो और एक कार्रवाई की भी गई है। बिल्कुल ठीक बात है सर। इंदौर वो शहर है जहां पर राजनीतिक गतिविधियां बहुत होती हैं, ऐसे में पुलिस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि कई सारे राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक भी आते हैं, बड़े नेता भी आते हैं और कार्यकर्ता भी आते हैं, ऐसे में निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस अपनी जगह है और राजनीतिक दलों पर निगरानी भी अपनी जगह, पुलिस की क्या भूमिका है? पुलिस की इसमें कई चौतरफा चुनौतियां रहती हैं, जिम्मेदारियां रहती हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में स्टार प्रचारक ऐसी जगहों पर आते हैं, सभी राजनीतिक दलों ने ऐसे लोगों को बुलाया है जी सर। इससे पुलिस के पास जिम्मेदारियां रहती हैं कि चूंकि जो सुरक्षा के मापदंड हैं बिल्कुल उसमें किसी तरह का समझौता ना हो जी, सुरक्षा के जो मानक हैं उसके साथ पुलिस किसी तरह की समझौता नहीं कर सकती। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि जो चुनाव के जो आचरण संहिता है जी उसकी भी कुछ अपेक्षाएं हैं, चुनाव के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जी सर उसमें किसी तरीके का रत्ती भर भी उससे समझौता भी ना हो जी सर। इसलिए दोनों के बीच में बड़ी बारीक लाइन है और दोनों में किसी तरह का समझौता न करते हुए एक सुदृढ़ एक अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना पुलिस की चुनौती है और पुलिस ने लगातार इसको हासिल भी किया है इस लक्ष्य को, और जिन लोगों को इसकी जरूरत है उनकी सुरक्षा के साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन भी सुनिश्चित किया है। बिल्कुल ठीक बात है सर। आप अपने एक अलग पुलिसिंग सिस्टम के लिए पुलिसिंग अंदाज के लिए जाने पहचाने जाते हैं, इंदौर की जनता के लिए क्या खास संदेश होगा कि वो निर्भीक और निष्पक्ष जो है मतदान कर सके क्योंकि इंदौर वो शहर है जहां पर राजनीतिक दबाव भी बहुत होता है और आप जैसी जिम्मेदार भूमिका में होने के बाद इस चीज़ को महसूस भी किया जा सकता है। मुख्य तौर पे पूरी जो प्रक्रिया है इसका उद्देश्य ये है कि हम आम व्यक्ति घर से निकल करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें जी, यहाँ पे मताधिकार का सही ढंग से प्रयोग कर सकें, अपनी पूरी हम जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन कर सकें। इसके लिए हम देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पे CAPF यानी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं जी सर उनको भी लगाया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बल जिला बल की पुलिस है, यहाँ पे होमगार्ड्स हैं, यहाँ पे स्पेशल आर्म फोर्सेज SF के जवान हैं और ये संख्या लगभग 6,000 से ज़्यादा है और यहाँ पे 3,116 बूथ हैं इंदौर में जिसमें इसकी 562 यानी कि 555 है अभी उसमें जो जिनको संवेदनशील घोषित किया गया बिल्कुल, है बिल्कुल। उन जगहों पे पुलिस बल रहेगा, पेट्रोलिंग पार्टियां हैं, आपके आसपास चारों तरफ सुरक्षा रहेगी, इसलिए हम बिल्कुल निर्भीक होकर निष्पक्ष होकर बिल्कुल निर्भीकता के साथ बाहर आएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। व्यवस्था इस तरह से की गई है कि किसी भी तरह की असुरक्षा कोई मुद्दा नहीं रहेगी जी, निर्भीकता एकमात्र इसमें विकल्प है, बिल्कुल निर्भीकता से हम बाहर आए और अपने मताधिकार का ज़्यादा फायदा संख्या में निकल के प्रयोग करें। इसमें खास बात मैं जिक्र करना चाहूँगा कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास ऐसे मतदाता हैं जो कि 18 साल से कम उम्र के और ज़्यादा उम्र के अभी हुए हैं और पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे, निश्चित तौर पर बाहर आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग निश्चित तौर पर करें। बिल्कुल सर, चप्पे चप्पे पर पुलिस की व्यवस्था रहेगी, इंतजाम रहेंगे, निगरानी रहेगी, ऐसे में क्या कोई खास प्रावधान किया है क्योंकि एक नियम तो भारत निर्वाचन आयोग का ये कहता है कि किसी अन्य जिले का वासी जो है एक जिले में नहीं रुक सकता दूसरे जिले में, तो
क्या विधानसभा वार भी जो है इस तरह की व्यवस्था की गई है? कई बार यहाँ अव्यवस्थाएं पैदा होती हैं, इसलिए स्थानीय स्तर पर जब मतदान के दिन व्यक्ति अपनी विधानसभा क्षेत्र में ही रहेगा और दूसरी विधानसभा में न जाए, वहाँ पे किसी भी तरह की वहाँ की किसी भी गतिविधि का हिस्सा न बने, इसलिए ये तय किया गया है कि व्यक्ति मतदान के दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में ही रहे। बिल्कुल ठीक बात है सर। इंदौर वो शहर है जहाँ पर धनबल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसे आरोप लगते हैं, और खुद भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख ओपी रावत जी ने भी इस बात को जो है पैरवी की थी, इस बात पर जो जोर दिया था। इंदौर पुलिस ने क्या खास तैयारी की है इसके लिए? बड़ी तैयारियां की गई हैं, बड़ी सख्त चेकिंग की जा रही है, जिसमें सीएपीएफ और जिला पुलिस बल ने लगातार इसमें चेकिंग अभियान चलाया और 2,30,00,000 रुपए के आसपास की इसमें रकम भी जब्त की गई है, जो कि बड़ी रकम है, और साथ साथ बड़ी संख्या में शराब और बाकी जो अवैध पदार्थ जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उन सबका एक बड़ा हिस्सा है इस कार्रवाई में जी। तो आने वाले समय में इस तरह का ना हो, इसमें चेकिंग का जो स्तर है और बढ़ाया गया है। अब चूंकि पहले हमारे पास सीपीएफ की 2-3 कंपनियां थी, अभी 16 के आसपास कंपनियां आ चुकी हैं, तो इनकी संख्या का, इनकी क्षमता का, इनकी उपलब्धता का ज़्यादा फायदा उपयोग किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में जो गतिविधि होगी और ज़्यादा सघन होगी, कार्रवाई और ज़्यादा बिल्कुल ठीक बात है सर। हम इन नाजुक पलों से गुजर रहे हैं जब बहुत ज्यादा आचार संहिता के उल्लंघन के मामले आते हैं, राजनीतिक दल भी जो है तरह तरह के प्रलोभन के हथकंडे अपनाते हैं, क्या इसके लिए कोई विशेष एक्शन प्लान है? संवेदनशील मतदान केंद्रों पर तो पुलिस की निगाह है, लेकिन ऐसे इलाके जहां पर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल हो सकता है, मुख्तौर पर उस हर जगह पे, उस हर गतिविधि पे, उस हर घटना पे, उस हर सूचना पर पुलिस सतर्क है। जहाँ पर किसी भी तरह की अगर कोई ऐसी सूचना आती है, संरक्षण आती है जो कि किसी व्यक्ति से के द्वारा दी जाती है जी, चुनाव से जुड़ी हुई होती है, इसलिए एक अलग कंप्लेन सेल है जी, और जो 24 घंटे मॉनिटरिंग करती है, उसमें हर आने वाली छोटी छोटी बारीक सूचना का तत्काल किया जाता है, उसमें मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा पैरेलल भी अगर हम देखें तो मुख्य तौर पर जो कम्युनिकेशन प्लान रहता है, उसके द्वारा हम अपने आसपास के सभी अपनी टीम के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, उनके लगातार उनसे सूचना प्राप्त करते रहते हैं। अगर किसी क्षेत्र में कोई सूचना आ रही है, कहीं किसी तरह की इस तरह की बात आ रही है कि कोई चुनाव को प्रभावित कर सकता है या इस तरह की गतिविधि नज़र में आती है, बिल्कुल पुलिस की टीमें लगातार जो कि हर जगह सक्रिय हैं, अगले 2-3 मिनट में पहुँच कर उस पर कार्रवाई कर सकते। सर, गुंडों में तो आपका खौफ बरकरार है, ऐसे में पुलिस महकमे के जवानों के लिए क्या खास निर्देश हैं? क्योंकि चेकिंग के दौरान कई ऐसी स्थितियाँ बनती, परिस्थितियाँ निर्मित होती जहाँ विवाद हो जाते हैं, तो ऐसे में उससे निपटने के लिए क्या कोई खास फॉर्मूला आपने निकाला है? मुख्य तौर पर जवानों से कहा गया कि बिल्कुल बेहतर ढंग से काम करें, पारदर्शिता से काम करें, निष्पक्षता से काम करें, लेकिन साथ साथ आम व्यक्ति के साथ विनम्रता से पेश आए, दृढ़ता से पेश आए, लेकिन विनम्रता से पेश आए, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि एक दुर्व्यवहार करने से आपके 100 जो गलत सही काम होते हैं, जो बेहतर काम होते हैं, वो एक लोगों के प्रति, एक पुलिस के प्रति दुर्भावना एक बनती है, कुबाग्रह बनता है। इसलिए एक सभी लोग एक आम व्यक्ति के साथ विनम्रता के साथ बेहतर ढंग से पेश आए, लेकिन हाँ, जो आपराधिक तत्व हैं या मुख्य जो जिन जो चीज़ें उनके दिए गए हैं टास्क, जो जिम्मेदारियां हैं, चेकिंग है, उसको विनम्रता के साथ, दृढ़ता के साथ उस पूरी प्रक्रिया को, उस लक्ष्य को हासिल करें। सर, इंदौर का ये परंपरा रही है, इंदौर का ये मिजाज रहा है कि वो हर मामले में नंबर वन होता है। आपने कई सारी अपील जारी की थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मताधिकार का इस्तेमाल करें, उपयोग करें, क्या वोटिंग में आपको लगता है इंदौर जिला हमारा नंबर वन होगा और पुलिस महकमे की जो अपील है वो इंदौर की जनता मतदाता उसे मानेंगे, अपनाएंगे? निश्चित तौर पे मैं चाहूँगा कि चूंकि इंदौर ने हमेशा एक अनूठी पहल की है, हमेशा एक पूरे नए चीज़ों को एक नई दिशा दी है, तो मैं चाहूँगा कि इंदौर के जो युवा हैं बाहर निकल के आए, हम जानते हैं कि हमारा जो देश है दुनिया का सबसे युवा देश है, यहाँ पे सबसे बड़ी आबादी रहती है, सबसे ज्यादा वोटर्स हैं एक जिले में अगर हम इंदौर जी, में जी, तो निश्चित तौर पे उसी अनुपात में युवाओं की संख्या भी सबसे ज्यादा है इंदौर में, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो युवा हैं बाहर निकल के ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और निश्चित तौर पे जब वो बाहर आएंगे तो अपने आप इंदौर वोटिंग प्रतिशत में भी, वोटरों की संख्या में भी, उनकी चुनाव में भागीदारी में भी नंबर एक बनेगा। चलिए सर, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए, राजनीतिक दलों के तमाम प्रत्याशियों के लिए, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के लिए और आपके मातहत अधिकारियों के लिए क्या खास संदेश होगा इंदौर पुलिस के कप्तान डीआईजी श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी का? मैं ये कहना चाहूंगा कि चूंकि हम इस लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार के अहम हिस्सा हैं, हम सभी जो अलग अलग घटक जिनका आपने अभी जिक्र किया, तो हम इसे एक सबसे बड़े लोकतंत्र के त्यौहार पे उल्लास, उत्साह, निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ मनाएं, अपने एक जो हमारे लिए एक जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हमारे लिए जो लक्ष्मण रेखा है, सीमा रेखा जो तय की गई है, उसके अंतर्गत अपने हम क्षमताओं का, अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारी जो ऊर्जा, उसका उपयोग करें और इस अवसर को, लोकतंत्र का जो त्यौहार है, इसको एक हम यादगार बनाएं और बेहतर ढंग से किए जाने के लिए, बेहतर ढंग से अपने
क्षमता का उपयोग करने के अवसर के रूप में इसे याद रखने लायक बना। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 5 साल में एक बार ये मौका आता है जब पुलिस महकमा भी कसौटी पर होता है, आम जनता अपने मताधिकार का उपयोग करती है, स्वस्थ और निर्भीक होकर लोकतंत्र के निर्माण के लिए अपने घरों से निकलती। उम्मीद की जा सकती है कि इंदौर पुलिस के साये में शांतिपूर्ण मतदान होगा और 28 नवंबर की तारीख मताधिकार के इस्तेमाल के लिए एक ऐतिहासिक तारीख भी बन पाएगी, क्योंकि इंदौर वो शहर है जहां की जनता हर मामले में सहभागिता निभाती है, अपनी भागीदारी 100% निभाती है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा और किस तरह से इंदौर पुलिस का एक्शन प्लान काम हो पाता है। सर, हमसे बातचीत की, हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए MP News।